हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि अभी बज रही है 6:30। मैं जल्दी उठ गई थी 6 बजते में, पर वापस नींद आ गई तो वापस हो गई, से लेट हो गई हूँ। ब्राइडल शॉप पे वेट कर रही है क्योंकि उसका आज है लगन का फंक्शन। तो चलिए चलते हैं जल्दी से जल्दी रेडी करने के लिए। अच्छा, 2 मिली है। ये ब्राइड हमारी रेडी हो गई है इनके लगन के लिए, और ये रुचिका दीदी है, ये मुझसे सीनियर थे। अभी बता दो, चलो कैसा लगा मेकअप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पूरे गोल घूम के बता दो हेयर स्टाइल भी इनकी हल्दी के सेटिंग के बना दिए, पर अभी पूरे ढक दिए। अब उसी के तुम बता दो, ये इनकी हेयर स्टाइल जो दुल्हन की तरह हमने छुपा दी है पहले पीछे, और ये हल्दी के टाइम खुल जाएगी। तो अब इनको भेज देते क्योंकि ये हो गए हैं लेट, तो इसलिए जाइए। अब हो गया काम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, पधार जाना टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे ज्योति को लेके आना। ओके ओके, लेड़ो उतने ना ना अब आती आ बीजे जी ना हो आ बीजे ना फंक्शन पूरा अटेंड करे इडी साहब। हां तुम गाड़ी चलवाता जी, मजा आ दो स्टीयरिंग में, तो बैठ फोटो खींच। बाय। ओके, ध्यान से जाना। एक मेकअप तो हमने कंप्लीट करके भेज दिया है, अब दूसरी ब्राइड आने वाली है। ब्राइड तो क्या आने वाली है, उसका एंगेजमेंट का मेकअप है, तो देखते हैं। अगर वो बोलेगी मुझे व्लॉग में लो तो ही ले पाऊँगी, बाकी तो देखते हैं। और तो क्या बोल सकते हो, और यहाँ पर ज्योति नाटक कर रही है। देखो, ये हमारी एंगेजमेंट ब्राइड रेडी हो चुकी है। आपको कैसा लगा आपका मेकअप? कुछ बोल दो, थोड़ा ही कुछ बोल दो। आई लव यू रोमाली, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, कॉन्फिडेंट फील करो, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू ओनली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो, न्यू जर्नी अब स्टार्ट हो रही है आज से। अपना मेकअप हो चुका है, ब्राइडल्स दोनों जा चुकी हैं, और अभी मैं हूँ थोड़ी सी फ्री, तो मैं ज्योति के साथ करवा रही हूँ हेयर में ऑयलिंग, क्योंकि मुझे थोड़ी इचिंग हो रही है, और अभी 2-3 दिन से अच्छे से ऑयल मसाज हुई नहीं है, तो ज्योति अच्छे से सिर में ऑयल कर देगी अभी। तो ज्योति आ जाओ भाई, कर दो। मेरे बाल लंबे हो गए, मेरे तेरे भी हो रहे लंबे, पर ज्योति तेरे बाल आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। बांध दिए थे, हेयर वॉश करवा दिए मैंने, क्योंकि ऑयलिंग करती तो मुझे अभी जाना था फंक्शन में, और अभी मैं जा रही हूँ कल्याणपुर। कल्याणपुर जो रुचिका जी सुबह आए थे, उनका आज लगन का फंक्शन है, तो वहीं पर जाएंगे। तो आज उनकी हल्दी भी है, तो टाइम बाकी मुझे मिलेगा नहीं, तो यही फंक्शन अटेंड कर लेते हैं। अभी जा रहे हैं, चिकू लेने आ रहे हैं अभी। तो अभी हो गई मैं रेडी, और हम जा रहे हैं कल्याणपुर, तो कुछ काम भी है प्लस एक फंक्शन भी अटेंड हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और लो चलो निकलते हैं, लो बहादुर जी। ये साइकिलें जा रही है जो कि कन्याओं को दान में दी जाती है, दान में नहीं दी जाती है, साइकिल के नाम। हाँ, सूर्य नाले 12वीं पास जो था, ये 10वीं पास का सही ना, 12वीं पास नहीं तो अच्छा परसेंटेज बनी तो स्कूटी वाली, ये बाइकल बाकी साइकिल वाली। ये सरकार की तरफ से गिफ्ट मिलता है, यानी लड़कियों को। तो कितनी सारी साइकिल है। हाँ, भाई और डाली हुई है। अभी आ गए हैं मम्मी के घर पे, तो अभी तो थोड़ी देर मम्मी के यहाँ बैठेंगे, जहाँ पर फंक्शन में आए वहाँ पे चालू हुआ नहीं। और तुमने कैसी जगह पे गाड़ी रखी है? कैसी, कहाँ पर पैर रखूँ मैं, नाली में पैर रखूँ? ट्राई तो कर, बिल्कुल ट्राई तो करो, एक बार उतर जा, धीरे से उतरू, उतर जा। और मैंने आज मेरी किस्मत की मैंने नाली चूज करी है, हील पहनी है, फोन भी थे तो वाह लेके आ बिल्कुल रोहन जी बता रहो। आज तो हम मेहमान आ गए हैं। अच्छी बात है, आप मेहमान कब से राय देख रहे हैं, आप आओ, रोहन जी आए। पापा कैसे हो? बताओ रोहन जी।
हम केसरिया जी आए थे यहाँ पे, हमको एक पागल इंसान मिल गया है जो जिसका नाम है विक्कू और जो कि आज आने वाला है। में केसरिया जी नहीं, केसरिया जी शाम को 6 बजे आऊँगा। क्या करने आएगा वो? क्या तालू बजी है चकाक खाना खाने के लिए? क्यों कैसरिया जी में खाना नहीं मिलता? जीजू 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 आ रहे हैं। अच्छा तेरी फिंगर्स बता दे, मेरी सासू जी है देख, ये देखो पैरों में भी छह हाथों में भी छह। किस्मत वाला है तो तू। और बता बोल ना कुछ, कैसा लग रहा है तुझे मुझसे मिलके? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है मुझसे मिलके तेरे को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी पड़ोस में मेरी रोमा ऐसे बोल, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया 2 मिनट पहले है, और यहाँ पे मैंने रोमा बुआ को देखा है, तो मैं यहाँ पर आया ब्लॉग लेने के लिए, तो ऐसे के लिए। अवेंजर्स का तू फैन है बहुत बड़ा? हाँ, मेरे पास एवेंजर्स का बहुत सारे टाइटल्स है, मैं एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मेरे पास उनके बहुत सारे खिलौने और बहुत कुछ है। अच्छा। और मैं जा रही हूँ कानू। ओ रेगन। ना बस। यूके रॉकी मेरा ब्लॉग, मेरा वाला ये वाला ब्लॉग कल आएगा, कल देखना ठीक है, लाइक भी कर देना ब्लॉग को ठीक है। ये वो बर्थडे वाला बहुत बड़ा ब्लॉग था ना, मैंने आपके शॉप पर आपका घर भी देखा है। मजा आया देख के। अभी हम आ गए घर पे, बहुत ज्यादा नींद आने के बाद, बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है मेरे को। जिगू को क्या बता, क्यों नींद आ रही है तुमको बता दो जरा। क्या पता, मैं सोते सोते गाड़ी चला के आया हूँ। अच्छा वो तुमको पता नहीं, नहीं तो कहीं ठुक ठुक आ जाते हैं, आधे रास्ते उतरना पड़ता है। यहाँ पे पूरा कलर हो चुका है नीचे। घर पर आ गए हैं और अभी बना रहे हैं खाना, खाने में बना रहे हैं आज मेथी की पूड़ी, और सुबह की बज गई है मूँग की दाल, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। तो मेथी साफ करके धो रहे हैं, वहाँ पे मम्मी मेथी धो रहे हैं, मेथी में आटा लगाती हूँ। आटा बांध दिया है और कुछ देर बाद अब रोटी बनाएंगे, क्योंकि अभी आटा सेट हो रहा है, इसलिए सैंडविच बना के खाया जा रहा है। खाना बन गया है और अपन तो लेके बैठ गए पराठे और सेक तला हुआ पापड़ यानी तवी पे तला हुआ, तो खाना वगैरह फिनिश करते हैं। जिगू तो आज गए हुए हैं मेरे भाइयों के साथ डिनर पर, सब जने अब कहाँ गए पता नहीं, आते फिर पूछते, दुकान से डायरेक्ट गए, मुझे बोला भी नहीं है, रोके गई हूँ करके, मैं भी साथ में आ रही हूँ, पर मैं क्यों आऊँगी साथ में, लड़कों के बीच में मेरा क्या काम है। हमने है ना कल का व्लॉग बहुत छोटा बना था, तो मैंने सोचा यार क्या डालूँ, बिल्कुल छोटा सा बनाया, यानी मैंने शूट ही पूरे दिन में सिर्फ 12 मिनट का किया था, तो फिर चिकू ने बोला यार, चिकू ने मैंने सोचा, दोनों ने सोचा कि यार एक भी दिन मिस क्यों करें, हमारी जो फैमिली है उसको बताया ना यार, इतना ही किया आज, इतना ही आप तक पहुँचा पाए, तो अभी हो रहा है व्लॉग एडिट, और आपको अभी कुछ देर में, यानी ये तो व्लॉग आप एक दिन लेट देख रहे होंगे, पर इससे पहले जो आपने देख लिया है वो रात को ही आया है, तो आप समझ जाना कि ये व्लॉग अभी एडिट हो रहा है, ठीक है। तो अभी चलो खाना वगैरह फिनिश हो गया है, चिकू आ गए हैं, और मैं ये प्लेट जाके रख देती हूँ, और आज भी कुछ मूवी देखने का सोचा है, क्योंकि कल मुझे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना है, पर यार अच्छा एक शेड्यूल बन गया है, तो क्यों ना उसे कंटिन्यू किया जाए, तो अब से रोज़ जल्दी ही उठा जाएगा, जाएगा नहीं। और पानी पी लेती हूँ, ठंडी थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है, नहीं हो रहा।
अब रूम में चलते हैं, चेंज वगैरह करती हूँ, फिर सोने की तैयारी करती हूँ। तो टीवी देखते देखते मैं तो सो जाने वाली हूँ, क्योंकि टीवी देखते देखते जो नींद आती है वो मज़ेदार आती है। पता ही नहीं है कहाँ रह रहे हैं, किस दुनिया में है, मज़ेदार नींद आएगी और सुबह उठेंगे आँखें ऐसे की और ऐसे कर दें तो दिन मज़ा ही आता है। और आज का व्लॉग अगर यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। I'm a pop star, I'm a rock star, I'm a 101. Think I'm not hard, you smoke, rock, car, waste, man, why you dumb?